गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई साहब रेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं मम्मी के साथ फार्म। मम्मी बहुत दिनों की फार्म नहीं गए ना। हाँ, तो मैं भी हो गई। चलो फिर, हाँ बस निकलो चलते हैं। ये भी जा रहा है हमारे साथ। ठीक हो? और पायल अपना तैयार हो रही है। पायल एक बात बताओ, फार्म जाने से पहले तैयार कौन होता है? पायल का मटेरियल देख लो भाई, कितना सारी कितनी सारी दवाइयाँ खाती है पायल। विटामिन है क्या क्या? ये मेरी मल्टी विटामिन है, मेरी आयरन है और मेरी फिश ऑयल है। बालों के लिए बाल बहुत झड़ रहे हैं। और एक मेरी एसिडिटी की है, कि मुझे एसिडिटी की दिक्कत रहती है, तो ये सारा मेरा पिटारा बोलूंगा। ये रानी को देख लो गाइस, मुझे बिल्कुल पहचान गई। मेरे साथ सोया करती थी बचपन में, बहुत छोटी थी तब। और बहुत पहले इतने एनिमल नहीं थे, मतलब डॉग्स वगैरह। जब मैं आई थी सिर्फ राजा रानी थी, एक आधा था। देखो 3-4 महीने हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डॉग्स हो गए हैं। ये भी देखो, सबके सब यहाँ पर हो गए। देखो भौंक रहे हैं कि मुझे उठ, हमारे पास आ जाओ। वही कोको पुची से ही हाल है। कोको पुची बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत प्यार करती है। अब तो बहुत एनिमल हो गए हैं यहाँ पर डॉग। अब अंदर चलते हैं, जाके अंदर का भी देखते हैं। बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। जब मैं आई थी बर्ड्स बिल्कुल नहीं थे। देखो इनके लिए कितना ताम थाम है, इनके लिए ये सब किए हुए हैं। हाँ देखो, छोटी छोटी चिड़िया। ये दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो इनकी जोड़ी। सुन लो, जो इस फॉर्म की जो ये देखभाल करते हैं, ये देखो उनके लिए ये सब मंजिया, हमारे पंजाबी में मंजिया बोलते हैं, मंजिया डाई हुई हैं। तो सारे बाहर उनकी सेवा करते हैं और यहाँ पर इनका अपना खाना बनाते हैं रात को। यहाँ पर तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, खुला है ना। ये देखो गाइस, ये अलमारी भी है, अभी नहीं आई है, लोगों के कपड़ों के लिए। ये सारा बर्ड्स के लिए दाना वाना है। देखो गाइस सारा रखा हुआ है, सब सामान है। ये डॉग्स का, ये देखो ये डॉग है, आधा घंटे पहले आया है पंचकुला से, है ना? हाँ जी, पंचकुला से आया है। तो ये बिल्कुल वहीं पर ऐसे ही पड़ा हुआ था? हाँ जी, ये वहीं पे पड़ा हुआ था, एक्सीडेंटल है। लगभग 13-14 दिन हो गए, बता रहे थे। अच्छा, तो किसी ने 13-14 दिन से कोई केयर नहीं की? नहीं, किसी ने कोई केयर नहीं की, बिल्कुल कंडीशन खराब हो चुकी है। बहुत बुरा करते हैं लोग, भगवान करे इसकी जान बच जाए। बस रिप वगैरह चढ़ रही है। आपको क्या लग रहा है, कोमा में चला गया? कोमा में जाएगा। ये देखो गाइस, ये सम्राट है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद आई हूँ। तो देखो इसके पानी के लिए ठीक है। अब ये बीच में बीमार हो गया था ना, ये भी अब तो ठीक है। स्मार्ट, चलो पानी पी रहा है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, ये कितने सारे रैबिट्स हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। कितनी है ये? 10-12 होंगे। 10 तो है ना? 10 है। और ऊपर ये अलग अलग, ये बीमार है, अच्छा तभी अलग रखा हुआ है। ये बहुत बहुत शोर मचाते हैं, है ना? उनके पास हमेशा एक रहना चाहिए। हाँ, हमें देख लिया ना। हाँ। बस अभी अभी हम आए हैं, तो जैद को देखो आराम से खेल रहा है। यहाँ धूप है तो मैं भी यहाँ बैठ गई हूँ। तो मैंने उठा रखा है तूबा को और ये अपना खेल रहा है। और ये हमारे साथ गया था यान, इससे कुछ नहीं खाया था, तो इसको अब ये खिला रहे हैं। ये दोनों अपना आराम से, सही बात है, बच्चों के लिए धूप बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। मुझे भी विटामिन डी की गाइस बहुत कमी है, मैं गोलियाँ खाती हूँ विटामिन डी की। ये देखो गाइस, मेरे पास तूबा बैठी है बड़े आराम से, मगर इसको नींद आ रही है, परेशान है, कह रही है मुझे सुला दो। बस इसको सुलाने लगी हूँ। सबसे अच्छी लड़की है ये, सबसे अच्छी लड़की। चीकू ने देखो सारे के सारे खिलौने लाके बेड पे रख दिए हैं। अभी अभी इसकी मम्मी ने डांटा है कि ये तू यहाँ से उठा ले, क्योंकि यहाँ लेटना होता बच्चों ने, यहाँ से उठा ले। तो ये उठा नहीं रहा और देखो बिल्कुल हम मस्ती मार रहा है। कहता नानी आप भी आ जाओ, अब बताओ मैं खिलौने पे क्या मस्ती मारूं, मुझे भी डांट पड़ जाएगी तेरी मम्मी से। मैं तो बस ऐसे ही बैठूंगा, यहां पे बच्चे बैठे हैं। बता आज पायल, पायल भी मुझे बहुत डांटेगी।
बिल्कुल डांटेगी कि क्या बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हो, डांटेगी नहीं। आ रही हूँ गोलू। टिड्डी कौन है? तुबा को टिड्डी बोलते हो? अच्छा, अब आप ऐसे खिलौने पे बैठोगे तो यहाँ कैसे सोएंगे हम बताओ? नहीं सो पाएंगे। फिर कहाँ सोए? दूसरे कमरे में सोए। यहाँ पर आते सबसे पहले मुझे ये बाहर का जो नज़ारा है बहुत अच्छा लगता है। ये सारे खेत वेत, ये गाइस हमारे घर के पास बिल्कुल नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये यहाँ पर। और यहाँ ठंड भी है, हमारी दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है, यहाँ पर ठंड है गाइस। हर जगह खेत ही खेत है, हरियाली है, तो उसकी वजह से सारी ठंड भी आती है और सारी धूप भी ख़त्म हो गई। देखो 3:30 बज चुके हैं मगर हल्की हल्की धूप है, बाकी सब अंदर तो बालकोनी में, तो यहाँ सारी धूप ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से आके सारा मेन रोड पूरा नज़र आता है, ये देखो गाइस। तो यहाँ पे हम लोग हो गए हैं रेडी, हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने। तो गाइस हम जाएंगे घूमू घूमू करने, तो वहाँ पे होगी पायल भी रेडी। तो आज पायल और मैंने दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं, देखो इसने भी और मैंने भी। मैंने भी इस कलर के कपड़े पहने हैं, पायल ने भी इस कलर के कपड़े पहने हैं। अचानक होगा, आज हम डाला है ट्रैक सूट, आज हम ट्विनिंग नहीं कर रहे थे फिर भी हो गए ट्विनिंग। अच्छा चलो अच्छी बात है। बस मैं, जैद और सूरज हम नीचे आ गए हैं, गोलू और पायल अभी ऊपर है, वो तूबा और अयान को लेके आ रहे हैं। तो हम नीचे आ गए हैं, अब तीनों बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं आज घूमी घूमी करने के लिए। तो वॉशिंग मशीन लेनी है, तो जो मेरी सोनिया ने ली है ना, जैसे ऊपर देवरानी ने, वैसी मशीन मैंने उनको बताया IFB की, बहुत अच्छी है, जो 100% कपड़े सुखाती है। तो ये लोग भी मशीन लेने जा रहे हैं। तो बस ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जैद बिल्कुल रेडी खड़ा है, बस अपनी दोनों मम्मियों का वेट कर रहा है। आज जैद को मौका मिल गया है गाड़ी चलाने का, देखो आज गाड़ी चला के हमें जैद लेके जाएगा, है ना? मैं तो पीछे बैठा हूं। आप आराम से अपना पीछे बैठो, आज बच्चा लेके जाएगा अपनी नानी को और मम्मियों को लेके जाएगा, भाई बहन को भी लेके जाएगा। देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब हम जा रहे हैं जैद के साथ। देखो चल रही है ना गाड़ी, अभी तक वो आई नहीं, वो भी नहीं आया। अरे मम्मी जैसे मेरे को देखता है ना तो गुलिया निकालने लग जाता है इसको। देखो कि मैं देखो सामने हूं, जैद जैद। तूबा तो अपना पर्स से खेल रही है और ये बच्चे आराम से देखो टेलीविजन देख रहे थे, अब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं ब्लॉग ले रही हूँ। ये कलरफुल इनको देखते हैं, इनको बोलो टीवी से नहीं मतलब होता है, टेलीविजन से इनको ये होता है कलरफुल। सही बात है जैद, देखो सही बात है भाई, सही बात है, सही बात। आज तो मोमोज खाने पड़ेंगे पायल के लिए। मैं खाती नहीं है, मैं खाती नहीं। तो क्या हो गया, एक बार ट्राई कर लेना, हल्का सा ट्राई कर लेना, हल्का सा। हम तो वेज ही खाते हैं, नॉन वेज थोड़ी खाते हैं। देख लूंगी, एक ऐसे लगता है जैसे मैदा मैदा होता है, कच्चा कच्चा। चलो ठीक है, आपको फेवरेट गोलगप्पे उत्पम है ना, डोसा है, वो सब खा लेना, बट फिर भी एक बार मोमोज ट्राई कर लेना। ट्राई कर। बस गोलू और पायल के साथ भी मैं आई हूँ मेट्रो में, पहले बेस्ट प्राइस लेके आते थे, अभी मेट्रो में लेके आए, ये भी सेम वैसे ही मिलता जुलता है। ये देखो आपको पकड़ा दी ट्रॉली, चलो चलो भाई आप भी सामान लेते हैं, शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से राइस होते हैं सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट राइस होते हैं जीवा के। अच्छा जीवा के, अच्छा वैसे पायल हमने ये भी ट्राई करना है, एरोप्लेन वाले। हाँ ये तो मेरे पास भी थे, बहुत अच्छी होती है जीवा के। ये रही, ये भी है बासमती राइस, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। इतना छोटा वो चलेगा क्या खिचड़ी के लिए? बच्चे खिचड़ी के लिए चावल मांग रहे थे, बड़े बड़े चावल बना रहे थे, तो मिनी मोगरा गाइस ये देखो बिल्कुल टोटा है, ये खिचड़ी के लिए ये वाले चावल है। पायल देखो खुद डाल रही है अपने बच्चों का, देखो ये होता है कि फटाफट ये चावल ले ले। अभी किलो बहुत है, पता क्या होता है फिर वो लग जाते हैं कीड़े से, नहीं होते? हाँ घुन से। बच्चे कितना खाते हैं, जरा सा खाते हैं, चिड़ी जितनी उनकी भूख है। बस हम सामान लेके आ गए हैं, अब सारा होगा पैक, तो गाड़ी लेके आ रहे हैं। सूरज जी कह रहे हैं मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, सब पैक होगा। मम्मी यार ये वाली कितनी, बस अभी अभी हम ये आए हैं शॉप पे, है ना, VIP मार्केट ना। मैं हमेशा ना वार्म वाली चादरें लेते हैं, नहीं ये वार्म है, अरे फूलों वाली डिजाइनिंग वाली लेते हैं ना, मैं सोच रही हूं कि प्लेन ज्यादा अच्छी लग रही है, प्लेन है ना, प्लेन ज्यादा अच्छी लग रही है ना, क्योंकि हमेशा एक ही प्रिंट बिछाऊ ना थोड़ी सी, इससे क्या वीडियोस की लुक अलग आएगी। कोई बात नहीं, इसमें प्लेन ले लो, आपको तो मिली नहीं फिटेड वाली, अगर आपको ऐसी लेनी तो ऐसी ले लो। हाँ देख वार्म वाली, हाँ देख खा लो मम्मी मोमोज। मैं नहीं खाती, खा के देखो टेस्टी है। अरे मैं नहीं खाती गोलू, मम्मी एक खा के देखो। चलो आप कह रहे हो तो मैं खा लेती थोड़ी सी। अच्छा पायल ने बोला तो मम्मी ने फटाफट मोमोज खा लिए। अब कह रहे हैं बच्चे, तो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, तो बच्चे क्या, मैंने बोला था खाने को मोमोज, तो
तेरे में मेरे में फर्क करती है मम्मी, मेरे से ज्यादा प्यार करती है। हाँ वो तो मुझे दिख ही गया कि देखना पहली बार मोमोज खा रही है। बताओ कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ तो शुरू करूँ ना। बस गाइज मैंने खा लिया है गोलगप्पे, सूरज भी, मैं भी, और बच्चे खा रहे हैं मोमोज। तो मैंने तो एक ही खाया मोमोज, तो बाकी मैं तो गोलगप्पे खा लिया। गाइज आप ही खा लीजिए हमारे साथ। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और चीकू को देख लो, कमेंट करो और चीकू को देख लो। गाइस डांस कर रहा था मैं, ये दिखा रही थी। चीकू डांस करके दोबारा दिखाओ। ये जाएगा सुबह स्कूल और सोजा बेटे। गुड नाइट कर दे। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म में। बाय, गुड नाइट।